ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है।